आइए हम अपनी स्वयं श्रुति की ओर चलें। अंतस के अंधेरे दूर हो, भीतर का अंधकार मिटे, कभी तो अमावस पूर्णिमा में भी बदले, भीतर के आकाश में कभी ये संभावना अवश्यमय फलित होए। ऐसी एक साहसपूर्ण हिम्मतवर एडवेंचर उठाना आज अब अभी में रहना, वर्तमान के पलों में रहना, पल पल जागी रहना, पल पल अपने अस्तित्व में अपने स्वभाव में रहना, वर्तमान में रहना, लगातार जागी रहना, अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होना, ये कनेक्शन निरंतर बना रहे, ये अवसर थर्ड आई को जगमगाने का है। अपनी सारी प्रायोरिटीज, अपना सारा ध्यान, अपनी सारी श्रुति अपने ही ऊपर उड़ेल देना। सारा ध्यान जो बाहर बह रहा है थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर उड़ेल देना, अपने पे उपकार कमाना। बहुत सहज सरल साधारण रूप में जागे जागे रहना, कछु करना नहीं, कोई कोशिश नहीं करना देखने की, तुम केवल देखना स्वाभाविक रूप में, जैसे बाहर की ओर देखते हो, कोई देखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, ठीक इसी तरह भीतर की ओर थोड़ा सा जागा, थोड़ी सी होश, थोड़ी सी सुरति बनाए रखना, अपनी ओर जागे जागे देखते रहना, जागे जागे रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, केवल देखते चले जाना जो जो हो रहा है आपके भीतर, आपके समक्ष, आपके सामने, आपके ही माइंड रूपी टेलीविजन पर जो जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है उस प्रोजेक्शन को देखते रहना। तेरी अपनी कथा, तेरी अपनी व्यथा, तेरा अपना पास्ट फ्यूचर, तेरी अपनी फील की हुई सारी की सारी दुनिया, विचारों की, विकारों की पूरी तरह से प्रोजेक्ट हो रही है। अंधेरों में भीतर का टीवी देखना, भीतर के आंगन में ध्यान का जल प्रवाहित करना, अपनी आत्मा को, अपनी रूह को जगमगाते चले आना, फुली कनेक्टेड होना अपनी थर्ड आई से। हर एक ह्यूमन बॉडी में छलकता है थर्ड आई, डिवाइन आई, इनर आई, अपने आप को देखने के लिए, अपने आप में जगमगाने के लिए, अपने अंधेरों को दूर करने के लिए, अपने माइंड के मास्टर हो जाने के लिए, ये एकमात्र जगमगाती ज्योति, ये जगमगाता चिराग, ये जगमगाती हुई रोशनी तेरे भीतर के सभी अंधेरों को बहुत शीघ्र विदा कर देगी। अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड रहना, देखने का पोटेंशियल निरंतर डेवलप करना, डिस्कवर करना, भरपूर है तेरे पास, पूरा पूरा उपयोग करना, इस्तेमाल करना। लगातार देखते रहना, केवल देखना, जो जो भी तेरे समक्ष हो रहा उसको देखते रहना, ठीक उसी तरह जैसे बाहर देखते हो नेचुरल वे में, ठीक भीतर की ओर करना नहीं, केवल देखना, केवल अपनी रिमेम्बरेंस में, अपनी याद में, अपनी स्मृति में, अपनी समृद्धि में रहना। नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, माइंड की डूइंग्स को देखने वाले हो, अगर तुम ही डूअर हो गए तो कैसे तुम
माइंड से बच पाओगी, कैसे तुम माइंड से डिसआइडेंटिफाइड हो पाओगी, तुम अपने स्वभाव में आ जाइए, वहां शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा डुअलिटी से। निष्पक्ष ऊर्जा होकर के देखना, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर देखना, केवल देखना, भीतर की गति में कहीं दखल नहीं देना, मन माया के विस्तारों के कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं, कदाचित भी इंटरफेयर नहीं करना, मन के स्वभाव में किसी प्रकार का भी अंकुश नहीं लगाना, माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, नाकाम हो जाओगी। सब कोशिशें नाकाम हुई हैं, चारों युगों में हुई है। माइंड को कहीं फोकस भी मत करना, माइंड के साथ कोई एक्सरसाइज मत करना, कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं चाहिए, थोड़ा सा नॉन डूइंग स्टेट में, अकर्ता दृष्टा साक्षी भाव में, थोड़ा देखने वाले मन रूपी मदारी का खेल देखने वाले, तुम उस माइंड का मैजिक देखने वाले हो, अपना ही भूल भुलैया में उतरा हुआ माइंड के हाथ लगा हुआ अस्तित्व जो हम खोए हैं माइंड के हाथ में, उसी के कारण मन माया का विस्तार निरंतर बना हुआ है, लगातार हट करके देखना, जितना हट करके रहोगे, जितना तुम माइंड से थोड़ा डिस्टेंस डेवलप करोगे, उतना ही साफ साफ देख पाओगे उसके स्वभाव को, और उसके स्वभाव को जानना, उसके स्वभाव को समझना मानो अपने स्वभाव में स्थित हो जाना है। ओंकार आमीन आमेन। जरा तो खुल के बरस अबरे मेहरबा की तरह, जरा तो खुल के बरस। लोग घबराते हैं जागे पुरुष के पास जाने से, शायद वो सारा संसार छीन लेगा। हमें तो भाई संसार चाहिए, हमें तो पहले मटेरियल चाहिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, वो तो छीन लेगा, वो तो हटा देगा। नहीं, मटेरियलिस्टिक लाइफ से हटाएगा नहीं, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीना सिखाएगा। आ रहे भौतिकता की जिंदगी में तुझको जीने का तरीका, जीने की कला, वे ऑफ लाइफ प्रदान करेगा। तुझको हर हालात में कैसे रहना है, इस मटेरियल वर्ल्ड में कैसे रहना है, वो वे ऑफ लाइफ, वो जीने का ढंग, जीने की कला अपनी ग्रेसफुल एटीट्यूड में उतार करके, अपनी ग्रेसफुल वाइब्रेशन में उतार करके प्रदान करेगा। वो बेचेगा नहीं, वो बांटेगा, वो प्रदान करेगा, वो गॉड्स ग्रेस को शेयर करेगा तेरे साथ, वो सोल्ड नहीं शेयर करेगा। He will never sell it, he will share it. वो ग्रेसी नहीं है जो बिकती हो पैसों से, वो ब्लेसिंग नहीं है, वो स्वास्थ्य और शांति शक्ति की बात ही नहीं है जो किसी पैसे से बिकती हो। अगर ये पैसों से बिकती होती तो राजा प्रसेनजीत और ग्रेटर इंडिया का बादशाह बहुत शीघ्र खरीद लेता, फिर तो उसी के महलों में मिलती,
फिर 95% झोपड़ी में रहने वाले बहुत गरीबी से निकले हुए भीखा जैसे, विवेकानंद जैसे, स्वामी रामतीर्थ जैसे, महर्षि दयानंद जैसे, बहुत ही अति गरीबी से निकले हुए गोविंद जैसे, गोरा बादल पीपा सागर धन्ना एक नाथ तुकाराम नामा नामदेव, कबीर रैदास जैसे कभी भी एनलाइटन स्टेट को उपलब्ध ना हो पाती। गरीबी अमीरी का सवाल नहीं है, एकमात्र प्यास का प्रायोरिटी का सवाल है। प्रायोरिटीज कहाँ है हमारी? वह सब के सब झोपड़ी में रहने वाले कभी एनलाइटन सोल ना होते, उनके पास तो कोई साधन ही नहीं था, उनके पास तो कोई फैसिलिटीज नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी, परंतु 95% भारत के शिखर संस्कृति के, कल्चर के, भीतर के जागरण के, होश के, सुप्ति के, जीवन दिशा प्रदान करने वाले 95% एनलाइटन सोल्स झोपड़ी से निकले हैं, 5% महलों से निकले हैं। गरीबी अमीरी का सब्जेक्ट नहीं, गरीबी अमीरी का सवाल नहीं, सवाल तेरी प्रायोरिटी का है, तेरी प्रायोरिटीज कहाँ है। अति गरीबी से निकला हुआ नरेन बालक 18 वर्ष का कहाँ पहुंचा? मुर्शिद की एकमात्र नजर पड़ी, अरे बुल्ले के ऊपर शाह इनायत की एक नजर पड़ी, बुल्ला वो अनाथ बालक सनाथ हो गया, बुल्ले शाह हो गया। तो शाहों को गदा कर दे, गदाओं को तू शाह कर दे, घटाने और बढ़ाने में इशारा तेरा काफी है ओ मालिक। क्या गजब की अलख जगाई है ग्रेटर इंडिया के बादशाह सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई ने, सम्राट भर्तृहरि ने। क्या गजब कहते हैं, प्यास भरी आत्मा ने क्या गजब की पुकार उठाई, क्या गजब की प्यास पिरोई है उसने गुरु कृपा मुर्शिद की रहमत को पाने के लिए। ओ मेरे गुरु गोरक्षनाथ, मैं तेरे चरण शरण आया हूं, जरा तो खुल के बरस अबरे मेहरबान की तरह, मानसून की बहारों की तरह, मानसून के बादलों की तरह, थोड़ा बरस, थोड़ी अपनी रहमत, अपनी करुणा कृपा बरसा मेरे पे। मैं अति गरीब इंसान तेरे द्वार पर आया हूं, आई एम स्पिरिचुअली पॉपर्स। मैं बहुत डीप डिप्रेशन लेकर के आया हूं, मैं बहुत हारा हुआ डिस्गस्टेड इंसान होकर के आया हूं। ओ मेरे मुर्शिद, जरा तो खुल के बरस अबरे मेहरबान की तरह, जरा तो खुल के बरस अबरी मेहरबान की तरह, मेरा वजूद है जलते हुए मकान की तरह, मेरा वजूद है जलते हुए मकान की तरह। जानते हो तुम भर्तृहरि के साथ क्या घटा, तुम सब जानते हो, किंतु उसने अपने सुख के लिए खुंटियां नहीं बदला। एक खुंटी से सुख नहीं मिला तो दूसरी खुंटी का सहारा नहीं लिया। ले सकता था दुनिया का बादशाह, ग्रेटर इंडिया का मतलब सारे एशिया का बादशाह, परंतु उसने अपनी सुख शांति के लिए खुंटियां नहीं बदला। एक खुंटी से नहीं मिला, कदाचित नहीं मिल सकेगा दूसरी, उसने अपनी दुनिया की नब्ज पहचान लिया।
नवज गहरी, एकमात्र गहरी साइट, गहरी विजडम से देखा। बचपन से ही थोड़ा झुका हुआ था स्पिरिचुअलिटी की ओर, किंतु ज्यादा गहरा ना जा सका। ये घटना उसको गहराई में ले गई। एक खुंटी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी खुंटी पर शिफ्ट नहीं करता, एक खुंटी से ही नवज पहचान करके चल देता है अपनी खोज और तलाश। अस्तित्व की खोज और तलाश के लिए जागे पुरुष के द्वार पहुंचता है। ग्रेटर इंडिया का बादशाह भर्तृहरि क्या गजब की विजडम पिरोता है, कि तो डीप डिप्रेशन में है। कोई दिशा नहीं, कोई वे आउट नहीं, कहीं से कोई सहारा नहीं अपने भीतर को स्टेबल करने का। स्टेबिलिटी चाहिए थोड़ा, जिस पे सब कुछ कुर्बान कर रखा था उसी ने धोखा दिया। भीतर सब अशांत हो गया, सब हैपलेस हेल्पलेस हो गया। बाहर के खजाने काम ना आए उसको संभालने में, तो ये पुकार उठाई उसने अपने मालिक के द्वार। जरा तो खुल के बरसे अबरी मेहरबान की तरह, जरा तो खुल के बरस अबरी मेहरबान की तरह, जरा तो खुल के बरस अबरी मेहरबान की तरह, जरा तो खुल के बरस अबरी मेहरबान की तरह, जरा तो खुल के बरस अबरी मेहरबान की तरह। मेरा वजूद है जलते हुए मकान की तरह, मेरा वजूद है जलते हुए मकान की तरह, जरा तो खुल के बरस अबरी मेहरबान की तरह, जरा तो खुल के बरस अबरी मेहरबान की तरह, जरा तो खुल के बरस। ओ मुर्शिद, ओ साहेबा, ओ जागी पुरुष, मेरे अंशी मैं तेरा अंश हूं, ओ मेरे महासागर मैं तेरी एक बूंद हूं। मैं तो एक बूंद हूं पर आपकी अमानत हूं, मैं तो एक प्यास हूं पर आपकी अमानत हूं, मुझे संभाल के रखिएगा भटकी हुई बूंद, मुझे संभाल के रखिएगा जिस मौजा की तरह, 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 मुझे संभाल के रखिएगा जिस मौजा की तरह। बुद्धि इंद्रियां बॉडी, सटल बॉडी, ग्रास बॉडी, कॉजल बॉडी, माइंड बॉडी को श्वास चाहिए, बियॉन्ड माइंड की स्टेट को श्वास नहीं चाहिए। वो एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस बियॉन्ड माइंड, जगमगाती हुई तेरी एकमात्र स्वाभाविक स्थिति,
वहां श्वास नहीं चाहिए, वो तो अपने आप में पूरा पूरा पावरफुल अस्तित्व है, वो तो अपने आप में गूंजता है आकाश की तरह, वो पूर्ण पूर्ण स्वयंभू है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अपने आप में निर्भर है, उसकी निर्भरता का कहीं कोई सानी नहीं है, वो अपने आप में निर्भर है, उसको श्वास तक नहीं चाहिए, इसलिए बियॉन्ड माइंड की स्टेट में तेरे सारे श्वास तेरी पिटारी में उतर आते हैं, और तू तो कितना लंबा जीवन जीना चाहे जी सकता है ये हम तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा है, तुम जितनी भी लंबी आयु जीना चाहो जी सकते हो, तुम्हारे हाथ में जीवन है, तुम्हारे हाथ में, यू आर द मास्टर, यू आर द ऑनर ऑफ योर लाइफ, कोई छीन नहीं सकती मौत तुझे, जब तक तू ना चाहे तब तक मौत तेरे द्वार पर नहीं आ सकती, मौत तुझे छू नहीं सकती, छीन नहीं सकती, ऐसे ही जगमगाते हुए द्वार पर राजा भर्तृहरि पुकार उठा, कभी तो सोचा मुर्शिद को रिझाने के लिए, मुर्शिद की आंख अपने ऊपर उतार लेने के लिए ललायत राजा सम्राट भर्तृहरि कहता है, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे दिल जानी दिलदार बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, जरा देख तो सही आंख उठा करके मेरी ओर, कौन आया है तेरे द्वार पर, कभी तो सोचा कौन आया है तेरे द्वार पर, अहंकार की भाषा नहीं बोलता, वो अपने मुर्शिद को याद दिलाता है, मुर्शिद तूने मुझे बचपन में पुकारा था, मैंने तुझे पीठ दिया था, बाबा जरा आंख उठा के देख कौन आया है तेरे द्वार, जिसे तूने बचपन से चाहा था, जिसको तूने बचपन में पुकारा था, मैंने तेरी सुनी नहीं, आज मैं स्वयं खुद तेरे द्वार पर चला आया, कभी तो सोचा कभी तो सोचा कि ये शख्स किसका दर था बुलंद, कभी तो सोचा कि ये शख्स किसका दर था बुलंद, जो बिछ गया जो बिछ गया तेरी चरणों में आसमां की तरह, जो बिछ गया तेरी चरणों में आसमां की तरह, जो बिछ गया तेरी कदमों में आसमां की तरह, जो बिछ गया तेरी चरणों में आसमां की तरह, जो बिछ गया तेरे कदमों में। जागे पुरुष लाइट एंड सोल, ओ मेरे दरवेश, ओ मेरे तत्वज्ञ पुरुष, कितना सुंदर इशारा किया है पूर्ण पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण ने सदगुरु के रूप में, क्या गजब मार्गदर्शक के रूप में अर्जुन को इशारा किया है। अरे इस डीप डिप्रेशन से उभरना चाहता है तो किसी जागे पुरुष के द्वार पर जा, डीप डिप्रेशन में उतरा हुआ जी रहा
उतरा हुआ अर्जुन भगोड़ा बनकर के जाना चाहता है, परंतु क्या गजब का इशारा कर रहा है स्पिरिचुअल मास्टर। एकमात्र मेडिटेशन, कंसंट्रेशन नहीं, मेडिटेशन। अगर कहीं तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा डीप डिप्रेशन कट सकता है, तुम्हारी नेगेटिविटी कट सकती है, तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग हो सकता है, तुम पुनः आत्मवीर होकर के खड़े हो सकते हो। अगर कहीं मेडिटेशन की गिजा तुम्हें हाथ लग जाए तो मालो माल हो जाओ। बुला रहा है मुझे तेरी रहमतों का बसंत, बुला रहा है मुझे ओ बाबा, बुला रहा है मुझे तेरी रहमतों का बसंत, गुजर न जाए। शीघ्र करना, जल्दी करना रहमत अपनी। ओ मालिक, ओ मेरे साहबा, ओ मेरे सच्चे यारा, शीघ्र अति शीघ्र अपनी रहमत उतार देना। क्यों गुजर न जाए, गुजर न जाए, गुजर न जाए, गुजर न जाए, ये दुत भी कहीं खिजा की तरह, गुजर न जाए ये दुत भी कहीं खिजा की तरह, गुजर न जाए ये जन्म भी, गुजर न जाए ये मौका भी, गुजर न जाए ये मौका भी, गुजर न जाए, गुजर न जाए, गुजर न जाए ये रुत भी कहीं खिजा की तरह, गुजर न जाए ये रुत भी कहीं खिजा की तरह, मेरा वजूद है मेरा विरह है, मेरा वजूद है जलते हुए मका की तरह, मेरा वजूद है जलते हुए मका की तरह, मेरा वजूद है जलते हुए मका की तरह, जरा तो खुल के बरस लबरे तेरे पास की तरह,